हाय दोस्तों, अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, YouTube इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग क्लोज ऐप। ठीक है, जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लोज ऐप एंड वेट। तो पहले तो ध्यान रखो, आप वेट ही करना, क्लोज मत करना, नहीं तो आपकी जो ऐप वीडियोज़ अपलोड कर रही है वो बंद हो जाएगी और आपको दोबारा से फिर से अपलोड करने में या टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन डालने में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ, ऐसा हुआ क्यों। तो देखो, ये तब होता है जब आप अपने सैमसंग के डिवाइस में या फिर कोई और एप्लीकेशन, जो भी ऐप है या जो भी कंपनी का फ़ोन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या, आपको ऐप इन्फो में जाना है। यहाँ पर एक बैटरी का ऑप्शन होता है, हर एक फ़ोन में मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ बैटरी का ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे की तरफ, यहाँ जाता हूँ मैं। और यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करना है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड करना है। ठीक है, ये दो ऑप्शन चूज़ करने हैं, थर्ड वाला चूज़ नहीं करना। मैंने पहले थर्ड वाला चूज़ कर रखा था, जिसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड में ऐप्स नहीं चल रहा था, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था। मतलब जो मेरा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी वजह से बैटरी तो बच रहा था, बट यूट्यूब के ऐप वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं हो पा रहे थे, क्रैश हो रहा था बार बार। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो ये ध्यान रखा करो, कभी भी जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो तो ऑप्टिमाइज रखो। ऑप्टिमाइज रखने से क्या होता है, जो फ़ोन होता है अपने आप देख लेता है कि भाई ऐप यूज़ हो रहा है तो ठीक है, जब यूज़ नहीं हो रहा था तो बैकग्राउंड में जो है बंद हो जाता चला। ठीक है, तो मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था, हो सकता है आपने भी रिस्ट्रिक्टेड कर रखा हो, तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड कर लेना। ऊपर वाले दो ऑप्शन कोई भी चूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, जो कि मैंने करा था। तो यही है दोस्तों सॉल्यूशन इसका। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी फिक्स नहीं हो रही है ना, तो एक बार वीडियोज़ अपलोड हो जाने के बाद क्लोज़ कर दो, क्लोज़ ऐप। ठीक है, क्लोज़ ऐप करने के बाद प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।